हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू बेटा? फाइन हो? अच्छे ही रहना। आज हम अपना कौन सा पार्ट करेंगे? कैपेसिटर का हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन किया था। सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था पैडल प्लेट कैपेसिटर बताया था। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा? सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। क्लियर है? लेकिन क्या चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर मैं कहूँ V इंक्रीज हो गया तो C के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं पड़ेगा। रीजन समझ आता है सबको? क्योंकि इसके साथ क्या इंक्रीज हो जाएगा? क्यू भी। तो C तो क्या है? कॉन्स्टेंट है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छा, कैपेसिटर किसको बोला जाता है ये भी आपको पता है ना? जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो। कैपेसिटर की यूनिट फैराड वगैरह ये सारी चीजें। पैडल प्लेट का आपने क्या पढ़ा था फॉर्मूला बेटा? पैडल प्लेट के केस में ध्यान रखना, पैडल प्लेट कैपेसिटर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया था, अर्थिंग कर दी थी, बीम का सेपरेशन था, ठीक है, बी पोटेंशियल डिफरेंस था, ए एरिया था। तो इसका हमने फिर क्या पढ़ा था? सी इज इक्वल टू क्यू बाय में वी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी ने थी? सिग्मा थी। तो क्यू किसके बराबर आ गया था? क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए बाय में वी। वी किसके बराबर था बेटा? वी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी। वी इज इक्वल टू ई डी सिग्मा ए। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो किसके बराबर आ गया था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था हमारा? सिग्मा वाई में एप्साइलन नॉट डी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो गया था। तो कैपेसिटेंस कितना आया था हमारे पास? एप्साइलन नॉट ए वाई में डी। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? एरिया पे और डी पे। ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। स्टोरेज इसके अकॉर्डिंग होगी। एरिया जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। डी सेपरेशन जितना ज्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस कम होगा, उतनी स्टोरेज कम होगी। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। बीच में क्या थी बेटा? एयर थी। क्या फील कर रखी थी? एयर फील कर रखी थी। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? कि हम ये चीज देखेंगे, क्या देखेंगे? क्या ये हमारे पास कैपेसिटर है? ओके, इसके अंदर हम डाइइलेक्ट्रिक फील करके देखेंगे। क्या फील करके देखेंगे? डाइइलेक्ट्रिक। ये फॉर्मूला याद है ना सबको कैपेसिटेंस का, पैडल प्लेट का? ये फॉर्मूला मेन है बेटा, सबसे मेन। आगे यही यूज करने वाले बस थ्रू आउट, अब यही यूज करेंगे अब इसी फॉर्मूले को। अब सबसे पहले बताओ डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक ध्यान आ गया सबके माइंड के अंदर, आ गया ना? सेकंड थर्ड लेक्चर था आई थिंक हमारा, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक कितने टाइप के थे बेटा बताना? तो सबको ध्यान होगा, फर्स्ट वन इज पोलर, सेकंड वन इज नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर कैसे थे हमारे? एसिमेट्रिक। पोलर कैसे थे हमारे? एसिमेट्रिक थे। H2O का एग्जांपल दिया था, ठीक है, H2O का, H2O, ठीक है। तो उस केस में हमें पता है ना H O नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेशन आ गया था, क्या बन गया था? डाइपोल बन गया था। और नॉन पोलर कौन से थे? सिमेट्रिकल। नॉन पोलर कौन से थे बेटा? डाइइलेक्ट्रिक। देखो मैं ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर रहा इसके ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। आपको ध्यान होगा पोलर कैसे थे हमारे? एसिमेट्रिक थे, क्लियर है बात। और जो नॉन पोलर थे वो कैसे थे? सिमेट्रिकल थे। सिमेट्रिकल जैसे CO2 का एग्जाम्पल लिया था, CO2 इस साइड O, इस साइड O, ठीक है, C पॉजिटिव O नेगेटिव। ये बात समझ आ रही है? O दोनों का सेंटर लोगे तो नेगेटिव का भी यही आ गया। सेपरेशन कितना? जीरो। तो डाइपोल मोमेंट कितनी आ गई थी हमारी? जीरो आ गई थी, Q into 2A। और हमने क्या देखा? सेपरेशन कितना है? A, A क्या था? A सेपरेशन था, इनका सेपरेशन पॉजिटिव नेगेटिव A के पॉइंट के ऊपर है, तो ये कितना बढ़ गया था? जीरो बढ़ गया था। ये बात समझ आते? डाइपोल मोमेंट कितनी आ गई थी हमारे पास? जीरो आ गई थी। हमने क्या किया था? फिर आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी। क्या अप्लाई की थी? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, ध्यान है ना? तो उस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचा था, और इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचा था। फिर ये भी क्या बन गया था बेटा? डाइपोल बन गया था। क्या बन गया था? डाइपोल। मतलब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब हमने रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये भी क्या बन गया था? डाइपोल बन गया था। आई होप कि आपको ध्यान भी होंगे सारे कंसेप्ट के। डाइपोल, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप के थे? दो टाइप के, पोलर एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल। समझाती है बात? पोलर एसिमेट्रिक थे, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। नॉन पोलर के अंदर हमने क्या देखा था? दोनों का सेंटर एक ही जगह था, तो डिस्टेंस नहीं था। लेकिन जैसे हमने फील्ड अप्लाई की तो ये भी क्या हो गया था? ये भी घूमना स्टार्ट, इसकी भी क्या आ गई थी? डाइपोल मूवमेंट, रोटेशन स्टार्ट हो गई थी, ठीक है।
अब देखो ध्यान से बेटा, ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि हम अब ना दो प्लेट जो हमने ली थी पैरेलल प्लेट, पहले उनके बीच में क्या थी, एयर थी, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय में टी बना था, क्लियर है। अब हम इन दोनों प्लेट के बीच में क्या डालेंगे, डाइइलेक्ट्रिक डालेंगे, क्या डालेंगे, डाइइलेक्ट्रिक। फिर देखते हैं कि पहले सपोज करो 100 कूलम चार्ज इसके अंदर स्टोर हो रहे थे, अब हम देखते हैं कि हमने इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, डाइइलेक्ट्रिक फिल करने के बाद देखते हैं कि 100 कूलम हो गए, 80 कूलम हो गए या 120 कूलम हो गए, मतलब 100 ही रहे या कम हो गए या ज्यादा, इसकी कैपेसिटी कैसी हो गई, तो हम डाइइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाइइलेक्ट्रिक क्लियर है, उससे पहले आपको एक चीज और फोकस करनी है बेटा, और वो फोकस क्या करना है आपको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम डाइइलेक्ट्रिक डालते हैं कैपेसिटर के बीच में, ठीक है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, ये पहली प्लेट कैपेसिटर की, ये दूसरी प्लेट कैपेसिटर की, इसके ऊपर बेटा कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है बात। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर नेगेटिव, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पहले क्या थी, एयर थी बीच में, ठीक है, उस केस में कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी, रट्टा मार इस फॉर्मूले का, तो ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको कहने लग रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम डाइइलेक्ट्रिक डालेंगे इसके पीछे, और ध्यान से देखना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप बोले पॉजिटिव, तो नेगेटिव बना लिया हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है बेटा, ओरिजिनल, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव, फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब सुनो ध्यान से, बीच में पहले तो एयर थी, अब हमने क्या किया, इसके बीच में डाइइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, क्या फील कर दिया, डाइइलेक्ट्रिक। अब देखो ये आ गया हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक आ गया, ठीक है, ये हमने क्या डाल दिया इसके बीच में, डाई इलेक्ट्रिक डाल दिए। अब आपको पता है जैसे डाई इलेक्ट्रिक को फील्ड के बीच में रखा था, ये डाई इलेक्ट्रिक अभी हमने देखा था ना, पॉजिटिव नेगेटिव, फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, या भी हमने नॉन पोलर पढ़ा था, ए की सेंटर पे थे पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे ही हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा दी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव चला गया नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव चला गया डाइइलेक्ट्रिक का पॉजिटिव की तरफ, तो ये क्या बन गया था, डाइपोल आ गया था, इसकी डाइपोल मूवमेंट आ गई थी, घूम गया था, ये समझाती है बात, ठीक है। तो वो चीज आपको समझ आनी चाहिए कि ये हमारा नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक था, अब कैसा बन गया, ये हमें पता है ना, जैसे फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसका भी डाइपोल मूवमेंट आ गया कुछ ना कुछ, क्लियर है। अब ये चीज आपको समझ आती है कि जैसे ही हमने डाइइलेक्ट्रिक को फिल किया इन दोनों प्लेट के बीच में, हमने इसके बीच में मीका डाल दिया, ग्लास डाल दिया, ठीक है, कुछ भी डाला इसके बीच में, इन दोनों कंडक्टर के बीच में जब हमने डाला, पैरेलल प्लेट के बीच में जब हमने डाइइलेक्ट्रिक डाला, तो हुआ क्या, आप बोले डाइइलेक्ट्रिक के भी क्या बन गए, पोल बन गए। पोल कैसे बने बेटा बताना, पॉजिटिव की साइड कौन आ गया, नेगेटिव, पॉजिटिव से दूर कौन भागा, पॉजिटिव, पॉजिटिव की साइड कौन आ गया, नेगेटिव, पॉजिटिव से दूर कौन भागा, पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। आई होप आपको क्लियर होगा ये पंडा, ये समझाया कि हमने जैसे डाइइलेक्ट्रिक, ये पूरा भरा हुआ है डाइइलेक्ट्रिक से, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है डाइइलेक्ट्रिक से, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, न्यूट्रल, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, न्यूट्रल, ये बात समझ आती है, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव बच के, ये नेगेटिव बच जाएंगे इस साइड के, इस साइड के क्या बच जाएंगे, नेगेटिव, और इस साइड के क्या बच जाएंगे, पॉजिटिव, और जितने भी बेटा बीच के है ना, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल कर लेंगे अपने आप को। ये बात समझ आ रही है, एक तो एक्सटर्नल थी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, एक्सटर्नल थी, ठीक है। दूसरा हमने क्या फील करते, डायलेक्ट्रिक फील करते, डायलेक्ट्रिक फील करते ही आप क्या बोलोगे, डायलेक्ट्रिक की भी क्या होगी, डायपोल मूवमेंट होगी, पॉजिटिव की साइड आ गया नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, इस नेगेटिव पॉजिटिव ने क्या किया, एक दूसरे को न्यूट्रल, इसका मतलब बीच के सारे क्या कर लेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल, क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन से बच जाएंगे, सरफेस वाले, नेगेटिव और पॉजिटिव। मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब है बेटा, कि बीच वाले सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, सिर्फ सरफेस के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव बचेगा। इसका मतलब जो ये फील्ड बनेगी बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये फील्ड कौन सी है हमारी, इंड्यूस्ड, ये फील्ड कौन सी है, इंड्यूस्ड, ध्यान से देखो, इंड्यूस्ड, ध्यान से देखो, ओरिजिनल, ये बात समझ आती है, मतलब क्या है, डाइइलेक्ट्रिक जैसे ही फील्ड फील करेंगे ना इन दोनों प्लेट के बीच में, तो हम क्या देखेंगे, अंदर क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी,
ये ना सबसे मेन चीज है बेटा, ध्यान से सुन लो इस चीज को, क्लियर है बात, क्योंकि मैं बार बार यूज करने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप क्या बोलोगे भाई, दो डायरेक्शन थोड़े ना होंगे, एक ही होंगे, ठीक है। तो हम बोले कि नेट कैसे निकालेंगे, नेट, तो आप क्या बोले, नेट निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकाल दो। तो नेट किसके बराबर आ जाएगी बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल माइनस इंड्यूस्ड। अब इस चीज को बेटा रट्टा मार लेना, क्लियर है बात। हमारे पास क्या आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट ओरिजिनल माइनस इंड्यूस्ड। आई होप कि आपको क्लियर होगा। हमने दो प्लेट ली, पहले नॉर्मल प्लेट ली थी, अंदर क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ओरिजिनल खुद के कारण बनी, हमने डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, डाइलेक्ट्रिक के कारण कैसी फील्ड बनी, ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेट कैसी आ जाएगी, ई नॉट माइनस ई आई। और ध्यान रखना, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होगी, ज्यादा होगी किससे, इंड्यूस से। ओरिजिनल वैल्यू कैसी होगी, हमेशा ज्यादा होगी किससे, इंड्यूस से। ओके, तो नेट किसके बराबर, सपोज करो ये कितनी है 20, ये कितनी है 15, तो नेट कितनी आएगी 5, 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, क्लियर है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या, आपसे ध्यान से सुनो, ये क्या है सिग्मा, सिग्मा क्या बेटा, हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। डायलेक्ट्रिक को फील हम कैसे करते हैं, वॉल्यूम में। ये पूरा का पूरा हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, मैंने डायलेक्ट्रिक डाल दिया, पूरे वॉल्यूम में डाला, डाला किस में, पूरे वॉल्यूम में। पर आप क्या बोलोगे, सर जो अंदर वाले जितने भी है ना, वो तो सारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, मेरे को क्या कंसिडर करना चाहिए, यहाँ रो करना चाहिए, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में फील किया हमने डायलेक्ट्रिक को। लेकिन आप क्या बताओगे, हम रो क्यों नहीं लिखते, क्योंकि अंदर वाले सारे क्या कर लेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। चार्ज सिर्फ और सिर्फ किस पे बचेंगे, सरफेस पे, किस पे बचेंगे, सरफेस पे। ये बात समझ आती है, इसलिए किसका यूज करेंगे, बात याद रख लेना बेटा। कैसे फिल किया गया, वॉल्यूमेट्रिक, लेकिन सिर्फ बच्चे चार्ज कौन से, सरफेस वाले, बच्चे चार्ज किसके, सरफेस के ऊपर, क्लियर है बात। क्योंकि अंदर जितने भी थे ना, सारे क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। ओके, इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं, सिग्मा का। तो ऐसे आप इसको इस ऐसे भी लिख सकते हो कि सिग्मा नेट किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा ओरिजिनल माइनस सिग्मा इंड्यूस। ओके, ठीक है। अदरवाइज आपको ये तो ध्यान रखना चाहिए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगी, ओरिजिनल माइनस इंड्यूस्ड के, ठीक है। अब मेरा सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है बेटा आपसे, एक ही क्वेश्चन है, ये बताओ मेरे को, जब भी हम डायलेक्ट्रिक फील करेंगे कैपेसिटर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, क्या वो बढ़ेगी, क्या वो घटेगी, इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा, या सेम रहेगी। तो आपका सिर्फ एक ही रिप्लाई होगा, सबको समझ आ गया होगा कि सर जैसे ही हम डायलेक्ट्रिक फील करेंगे ना, क्लियर है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। नोटेशन क्लियर है, नॉट का मतलब ओरिजिनल, I का मतलब इंड्यूस, नेट का मतलब EN का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, क्लियर है बात। देंगे हम वॉल्यूम में, पर मिलेगी सिर्फ और सिर्फ किस पे, किसके, सरफेस पे। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, सिग्मा का यूज करते हैं। ओके, कर दो बेटा इस चीज को रब। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडा क्लियर हो गया सबको अच्छे से। एक चीज का ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो इस बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वीक। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वीक है। तो जो ये हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, फील्ड कैसी है, वीक है। तो ये क्या होगा, इसकी मूवमेंट भी कैसी होगी, कम होगी। पी भी कैसी होगी, कम होगी। ध्यान से सुन लो क्या होगी, पी भी कम होगी, कम टूटेंगे ये भी, जितने हमने फील कर रखे ना, कम टूटेंगे। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा दी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगा दी। तो आप क्या बोलोगे, सर एक तो ना ये बहुत ज्यादा टूटेंगे, और डायपोल मूवमेंट भी कैसा होगा, डायपोल मूवमेंट की वैल्यू भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। ये बात समझ आती है, क्लियर है, ध्यान से सुन लो। मैं कह रहा हूं इसका मतलब डायपोल मूवमेंट जो पी होता है हमारा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, क्लियर है बात, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग लगा रखी है, तो ज्यादा तो हमारे ये डायलेक्ट्रिक टूटने लग रहे हैं, इनका डायपोल मूवमेंट भी इंक्रीज होने लग रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी बची है, ठीक है, वो कैसी है, वीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इनकी वैल्यू भी कैसी मिलेगी, कम मिलेगी। बात समझ आती है, फंडा क्लियर है सबको, ध्यान से सुनो, ठीक है, आगे बात समझ बढ़िया के। तो सबसे पहले एक मेन लाइन क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कब, जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं। याद रखना बेटा इस बात को। अब मैं कर रहा हूं इसको रब, क्लियर है, ये फंडा जरूर लिख लेना बेटा, जरूर समझ आ गया ना, डाउट हो तो पूछ लेना फिर भी, ठीक है। तो अब ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा और पूछूंगा, ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और मैं भी बेटा एक बार अपने रिप्लाई कर देना,
अच्छे से कर लेना इस पार्ट को। कल अगर मैं क्लास नहीं, कल अगर मैं संडे को वीडियो ना अपलोड कर पाया ना, तो उस केस में ध्यान रखना जो आपके न्यूमेरिकल है ना वो कर लेना अच्छे से, ठीक है। मेरी का काम है मेरे को, तो इसलिए अगर नहीं होगी अगर आपकी वीडियो अपलोड, तो जो आपके न्यूमेरिकल थे ना उनको करके देख लेना, अगर आपको कोई और मिले न्यूमेरिकल उनको कर लेना। अदरवाइज एक काम करूंगा मैं, आज ही ना एनसीईआरटी अप्लाई वो कर दूंगा आपके पास सेंड, ठीक है। क्या करूंगा, एनसीईआरटी के सीओडी वाले पोर्शन वाली एनसीईआरटी या पोटेंशियल की एनसीईआरटी तो कर लेना इतना, आइए बात समझ, ठीक है। अब देखो बेटा हमारा नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्या है, डाइपोल मूवमेंट डेवलप। डाइपोल मूवमेंट पी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अभी बताया था जो डाइपोल मूवमेंट होगा पी कितनी जल्दी टूटेंगे, कितने ज्यादा टूटेंगे, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। ये अभी बताया कि जस्ट अभी लास्ट टाइम में, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कौन डिपेंड करता है, डायपोल मूवमेंट, उतनी जल्दी डायलेक्ट्रो ब्रेक होंगे ना डायलेक्ट्रिक। अब पी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा बेटा, क्या आ गया कॉन्स्टेंट, पी इज इक्वल टू ये क्या हमारे पास साई, क्या है साई ई, साई क्या हमारे पास कॉन्स्टेंट, क्या है ये कॉन्स्टेंट ससेप्टेबिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। साई ई क्या बेटा हमारा कॉन्स्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी, कि कितना ससेप्टिबल हो गए, कितनों ने अपने आप को फील्ड के अकॉर्डिंग कर लिया, ये बात समझ आती है, ससेप्टिबल उसके अकॉर्डिंग कर लेना, दूसरी चीज के अकॉर्डिंग खुद को डाल लेना, ठीक है, उसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, आई बात समझ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया ऊपर, हमसे हमने क्या पढ़ा है, क्या पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा क्या आ गया कॉन्स्टेंट आ गया ससेप्टेबिलिटी आ गया, ठीक है। अगर मैं कह दूं ई की वैल्यू 1 पुट करते तो साई किसके बराबर आ गया भाई, साई की वैल्यू निकालो, साई की, साई किसके बराबर आ गया पी बाय ई के बराबर आ गया, साई किसके बराबर आ गया पी बाय ई के बराबर आ गया, क्लियर है, ठीक है। साई इज इक्वल टू पी बाय ई, ई इज इक्वल टू 1, ई की वैल्यू क्या आ गई फील्ड 1 आ गई, तो साई किसके बराबर आ गया पी के। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यूनिट होगी ना, तो उस केस में हम क्या देखेंगे, जितना डाइपोल मूवमेंट है ना भाई किसके बराबर है, ससेप्टेबिलिटी के बराबर है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना है, ससेप्टेबिलिटी होती क्या है, अपने आप को ढाल लेना। उसके बाद एक टर्म दूसरी कौन सी आ गई बेटा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपने पहले पढ़ी थी, के होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सबको क्लियर है, पर जब हमने एप्सिलॉन की टर्म्स में पढ़ी थी, फोर्स की टर्म में पढ़ी थी, एफओ बाई में एफएम, ध्यान होगा आपको, क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब हम किसकी टर्म्स में पढ़ेंगे बेटा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। ई नोट क्या था, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नोट क्या थी बेटा हमारी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आई क्या हमारी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, अभी बताया था ओरिजिनल इंड्यूस, नेट क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पता है ना नेट, जैसे बोला था 20 ये बोला था 15, तो नेट कितनी आ गई थी 5 आ गई थी, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस किस का रेशियो है बेटा, ओरिजिनल का बाय में नेट का, ओरिजिनल बाय में नेट, उसको हम क्या बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, आई होप के क्लियर हो गया, पंडा क्लियर है, उसको हम क्या बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ई नॉट बाय में EO, original by में EN, N क्या था net था, 20 by में 5, वो क्या आ गया मेरा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया। सुनो मैं कहूं ओरिजिनल निकालो, ओरिजिनल की वैल्यू, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तो आप क्या बोले सर यहाँ EN को वहां K के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बोला ठीक है कर दिया हमने, ठीक है। अगर मैं कहूं ई नेट की वैल्यू निकालो, ई नेट की, तो आप क्या बोलोगे EO by में K, भाई यही फॉर्मूला है, इससे एक बार ई नोट निकाला, एक बार ई नेट निकाला है, ये बात समझ आती है, ठीक है। हमने क्या क्या चीजें निकाली है, E original by में E net is equal to K, ये हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं कहूं कि सपोज करो E net की वैल्यू निकालो, तो आप क्या बोलोगे E original by में K। अब आपको एक चीज ध्यान है, क्या चीज ध्यान है, कि जब हमने डायलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी थी, कम होगी थी, क्या होगी थी, कम होगी थी, और नेट कितनी बच गई थी, ध्यान से सुनो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमने जब इसके अंदर डायलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया था प्लेट के अंदर, ठीक है, प्लेट के अंदर क्या फील कर दिया था, डायलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया था, तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तो आप बोलोगे आप कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से सुनो बेटा इस बात को, ये बात समझ आ गई, तो ई ध्यान से सुनो, ये हमारे पास क्या था पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव, क्लियर है, हमने इसके अंदर क्या फील कर दिया बेटा डायलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, डायलेक्ट्रिक फील्ड करते ही डाइलेक्ट्रिक फील करते ही ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बच गई थी, ओरिजिनल कितनी थी 20, इंड्यूस कितनी थी 15, तो नेट कितनी बची थी बेटा इसके अंदर, नेट कितनी बची थी
गई थी, 5 बच गई थी, कितनी बच गई थी, 5 बच गई थी। ये बात समझ आती है ना सबको, क्लियर है? ठीक है, क्या बच गई थी, 5। ओके, तो अगर जब मैं आपसे पूछूंगा ना, एक चीज का ध्यान से सुनो मैं, क्योंकि कंसेप्ट यूज करूंगा ये, जब मैं आपसे पूछूंगा ना आफ्टर फीलिंग डाइलेक्ट्रिक, आफ्टर फीलिंग डाइलेक्ट्रिक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इसके अंदर, आफ्टर फीलिंग डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक बढ़ने के बाद बताओ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बची, तो आप बोलोगे नेट बची है वो, और नेट कैसे निकाली, तो आप बोले E नॉट बाय में K, पहले कितनी थी E नॉट थी, अब कितनी आ जाएगी E नॉट बाय में K आ जाएगी, मतलब क्या आ जाएगी नेट। इस टर्म का मैं यूज करने वाला हूं, इसलिए मैं इसके ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूं कि आफ्टर फीलिंग डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बच गई, तो आप बोलोगे आपकी बात E नेट बची है, नेट बची है, और नेट होती कितनी है, तो आप बोलोगे E नॉट बाय में K होती है। क्लियर है पंडा, समझा की बात? ठीक है, तो क्या आ जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी, नेट नेट क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमें बताओ ओरिजिनल तो 20 थी और नेट कितनी आई थी, 5 ही आई थी। ओके करें, अब बेटा मैं इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं, आपका पूरा का पूरा फोकस ध्यान से यहीं पे होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, मैं आपको कहने लग रहा हूं कि कैपेसिटेंस निकालेंगे, कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक, हम क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस स्टोरेज किसके साथ, डाइलेक्ट्रिक हैविंग कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना उसका के है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मैं एक बार छोटा सा कंसेप्ट यहां कर रहा हूं, ये चीज हम कर चुके हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बीच में क्या रखे बेटा, एयर में रखी है, एयर फिल कर रखी है, सिग्मा क्या था इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, ए क्या था एरिया, दोनों प्लेट का सेपरेशन कितना था डी था, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बेटा वी था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है ई ओरिजिनल है, कौन सी है ई ओरिजिनल, एयर में रखी, अभी हमने डायलेक्ट्रिक फील्ड नहीं किया, अभी तो मैं पहली कंडीशन बता रहा हूं, जॉब कर चुके मैंने शुरू के, आज शुरू के लेक्चर में यही चीज बताई थी, तो बता ना इसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस आप क्या बोले सर, क्यू बाय में वी, क्यू बाय में वी, मैं बोला क्यू कितना है, तो आप बोले सिग्मा इंटू ए, आई होप कि अब तो आपको रट्टे लग गए होंगे इन चीजों के, सिग्मा इंटू ए वी, वी किसके बराबर था बेटा, इज इक्वल टू माइनस डीवीवाई में डीआर, पता है ना आपको सारी चीजें, तो वी क्या था पोटेंशियल डिफरेंस, डीआर सेपरेशन, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वी अगर मैं कहूं वी किसके बराबर, ईडी के बराबर, क्लियर है ना बात, ठीक है, वी किसके बराबर आ गया ईडी, तो वी किसके बराबर आ गया बेटा ई, ई है कितनी यहां पे, ई ओरिजिनल और डी, डी क्या है सेपरेशन, समझ आते हैं ना सारी चीजें आपको, क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि ई नोट की वैल्यू कितनी होती है बीच में, पता है ना जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज था बताई थी लास्ट लेक्चर, मतलब ई नोट की वैल्यू किसके बराबर थी, सिग्मा ए अपॉन ई नोट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो कितना गया था हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी, भाई ये आ गया था हमारा कैपेसिटेंस, इसकी स्टोरेज आ गई थी, क्लियर है, बात क्या आ गई थी इसकी स्टोरेज आ गई थी हमारे पास, क्या आ गई ये स्टोरेज आ गई, क्लियर है बात, कि कितनी कैपेसिटी इसको चार्ज को स्टोर करने की, तो आप क्या बोलोगे एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी है, ये बात क्लियर है, समझ आती है, ये तो जनरल कंडीशन है। अब हम अपनी कंडीशन निकालते हैं, अपनी कंडीशन कि जब हमने इसके अंदर क्या फील कर दिया बेटा, डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के है, बात समझ आती है, कि वही दो प्लेट ली हमने, क्लियर है बात, ये दोनों प्लेट ले ली, इसके अंदर हमने क्या फील कर दिया मीका, क्या फील कर दिया इसके अंदर हमने ग्लास, डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब है इन दोनों प्लेट के बीच में। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये बता दो बेटा कि अब इसकी अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी कंसीडर करूंगा, आफ्टर फीलिंग डाइलेक्ट्रिक, हमने इसके अंदर क्या फील कर दिया बेटा, हमने इसके अंदर फील कर दिया डाइलेक्ट्रिक फील कर दिया, आपके माइंड में एकदम एक ही चीज स्ट्राइक करेगी, अच्छा इसका एरिया कितना था प्लेट का ए, सिग्मा क्या थी बेटा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, क्लियर है बात, ठीक है, इन दोनों प्लेट का सेपरेशन कितना था डी, वही सारी चीजें हैं, पर इसमें हमारी एयर थी बीच में और इसमें क्या फील करते हमने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैविंग, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना जिसका के है, ठीक है। अब मैं कहूंगा अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो आप बोलोगे नहीं सर, इसके अंदर कौन सी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बच गई, अब की बार इसके पास बच गई इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी बची, हमारे पास नेट, कौन सी बची है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बची होगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर थी बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल बाय में के, E net, original by में के, ये बात समझ आती है ना,
क्लियर है बात। अभी हमने पढ़ा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशियो होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसके अंदर अब इलेक्ट्रिक फील्ड ना कौन सी है, ई नॉट नहीं है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, ई नॉट नहीं है। इसके अंदर तो ई नॉट थी, पर डायलेक्ट्रिक फील्ड करने के बाद ई नॉट नहीं बची, वो क्या, ई नॉट बाय के होगी, डिक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर। आई होप के क्लियर हो गया पंडा, ठीक है। अब निकाल दो कैपेसिटेंस, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस निकल गया कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्यू बाई में वी, सॉरी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाई में वी। दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा, वी है, समझाती है बात, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू ए, क्यू किसके बराबर है, सिग्मा इंटू ए। पोटेंशियल किसके बराबर है बेटा, पोटेंशियल E into D, भाई V, V किसके बराबर होता है, E into D के बराबर है। पर हमें पता है यहाँ E, E नहीं है, E not by K है। जैसे यहाँ तो E क्या था, E not था ना, पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, E not by K के। तो यहाँ V किसके बराबर आ जाएगा, E into D, पर E क्या है यहाँ पे, E not by में K इंटू में डी। आई होप क्या आपको क्लियर हो गया होगा। K कहाँ ले जाए, ऊपर लेके चले जाए, तो क्या बन जाएगा बेटा ये सिग्मा के ए अपॉन में ई नॉट डी। ये चीज आ गई हमारे पास। अब ई नॉट की वैल्यू बताओ, फील्ड की वैल्यू पता है ना सेंटर में सबको, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लिखते थे सी डैश, इसको लिखा था हमने सी, तो इसको हम लिखते हैं सी डैश के सिग्मा ए, के सिग्मा ए अपॉन में ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है यहां पे, तो आप क्या बोले सर, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। क्लियर है, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो हमारे पास किसके बराबर आ गया बेटा ये, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी। ये बात समझ आती है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, के एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी। क्लियर है बात, समझ आइए बेटा, क्लियर है। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस कितना था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी था, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी था, ठीक है। नया कैपेसिटेंस आफ्टर फीलिंग डाइलेक्ट्रिक वो किसके बराबर आ गया, के और मल्टीप्लाई होगा, के क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा बताना किसके बराबर था, के, के किसके बराबर था, के इज इक्वल टू ई ओरिजिनल बाय में ई नेट, ध्यान है ना, क्लियर है। अब बताना वैल्यू किसकी ज्यादा होती, तो हम क्या बोले, ई ओरिजिनल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई नेट, मतलब न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका मतलब के की वैल्यू हमेशा कैसे है कि के इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। ये बात समझ आती है, के की वैल्यू कैसी होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन वन होगी। आई होप क्या आपको क्लियर होगा ये पंडा, मींस के इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। अगर के ऑलवेज ग्रेटर देन वन है, के इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन है, अच्छा ये वैल्यू बताना मेरे को किसकी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी किसकी वैल्यू है, सी की कैपेसिटेंस। क्लियर है बात, तो इसका मतलब सी डैश हमारे पास किसके बराबर आ गया, हमारी वैल्यू किसकी है, C की, मतलब C डैश इज इक्वल टू K इंटू C। ये बात समझ आई है सबको, C डैश इज इक्वल टू K इंटू में C। क्लियर है, तो इसका मतलब एंड K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। C की वैल्यू अगर 10 है और K की वैल्यू 2 है, तो C डैश कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। C की वैल्यू अगर 10 है और K की वैल्यू 4 है, तो C डैश 40 आ जाएगा। C की वैल्यू 10 है, K की वैल्यू 1.3 है, तो C डैश 13 आ जाएगा। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है बेटा, ये कैपेसिटर था पैरेलल प्लेट, इसके बीच में पहले एयर थी, तो उस केस में हम क्या बोले, क्या इसकी स्टोरेज कितनी थी, इसका कैपेसिटेंस था 100, कितना था 100 था, ठीक है, कितनी स्टोरेज थी इसकी, 100 थी। जैसे ही हमने इसके अंदर डायलैक्ट्रिक फिल कर दिया, क्या फील कर दिया इसके अंदर, डायलैक्ट्रिक डाल दिया, कोई ऑयल डाल दिया, कोई ग्लास डाल दिया, कोई मैका डाल दिया, क्लियर है बात, ठीक है, वाटर फील कर दिया, तो इसका मतलब डायलैक्ट्रिक फील कर दिया। डायलैक्ट्रिक फील करते ही आप क्या चीज देखोगे, क्या कैपेसिटेंस इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। कभी हम देखेंगे 130, कभी बोलेंगे 200 होगी इसकी स्टोरेज, कभी बोलेंगे 400 स्टोरेज होगी। तो ये सारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, डायलैक्ट्रिक के ऊपर। ये बात समझ आती है, क्लियर है, कि एयर के केस में स्टोरेज कम थी, पर जैसे डायलैक्ट्रिक फील कर दिया, स्टोरेज कैपेसिटेंस मतलब स्टोरेज कैसी होगी, इंक्रीज, कितने टाइम्स, के टाइम्स। ये बात समझ आती है, ठीक है। तो ये हमारा बेटा किसका फंडा था, हमारा बेसिक फंडा था, किसका फंडा था बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डायलैक्ट्रिक। आगे बात समझा मैंने, उसके अंदर क्या फील कर दिया, डायलैक्ट्रिक, तो स्टोरेज की होगी, क्या होगी, इंक्रीज। क्यों होगी इंक्रीज स्टोरेज, ये बताओ मेरे को, क्योंकि आप क्या बोले सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कम,
इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, पोटेंशियल कम हो गया, तो एक काम करो और चार्ज पर बढ़तो फिर तो। ये बात समझ आती है ना, इसलिए मैंने पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट बताया कि जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई तो हम बोले स्पेस आ गया, जल्दी से और चार्ज फील कर दो, और चार्ज फील करते हम क्या बोले स्टोरेज अच्छी होगी। इसलिए बात समझ आती है। तो अब आपका एक ही फंडा है इस चीज का बेटा कि आप क्या बोलोगे कि जब भी डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया जाएगा ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वीक। पैडल प्लेट कैपेसिटर में जब भी डायरेक्ट्रिक फील किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वी और कैपेसिटेंस हो जाएगा इंक्रीज। रट्टा मार लो बेटा इस चीज का, बात समझ आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे इन चीजों के ऊपर, तो ये चीज समझ आएगी क्या फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, नया कैपेसिटेंस कितना आ गया, के टाइम्स आ गया, ठीक है, पुराने के। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट केस आ गया बेटा। अब मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर कभी तो कंडक्टर की स्लैब डालूंगा, कभी इसकी थिकनेस ना कम कर दूंगा कि पूरे के अंदर डायरेक्ट्रिक नहीं रखा, कम में कर रखा, मतलब सिंपल से केस है, हो चुका है कैपेसिटेंस भी। अब मैं जो आगे केस करूंगा बिल्कुल सिंपल है, जिसको फर्स्ट सेकेंड लेक्चर समझ आ गया उसको आगे कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बेटा फंडा। ठीक है, रट्टा मार लेना, पर मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स बताइए, बुक से अच्छे से कर लेना इन चीजों को, क्योंकि मैं लिख तो सकता नहीं इनकी डेफिनेशन वगैरह, क्योंकि आपको पता है थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है ही, लेकिन फिर भी आपको करना क्या है, बुक से इन चीजों को पढ़ लेना, जो डाउट हो मेरे से पूछ लेना। ओके, तो आज मेरे हिसाब से इतना ही, देख लेते हैं इसके अंदर। एक लाइन और याद रखना बेटा, एक चीज का और भी ध्यान रखना आपको इसके अंदर, इसके अंदर ना आपकी बुक के अंदर दे रखी हुई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको पता है ना कि वहां जहां तक वो क्या बना रहता है, इंसुलेटर, और ब्रेक डाउन होते हैं वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी आपको पता है, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की एक और वो याद रख लेना बेटा, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट किसके बराबर आ गया हमारा, ई नॉट बाय में ई नेट, या फिर आप क्या बोलोगे सी डैश बाय में सी। डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, E नॉट बाय में EN या फिर C डैश बाय में C। देखो यहाँ पे ये क्या है, C है, C साइड लेके जाना भैया, C को यहाँ लेके चले जाओ, तो एक और आगे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला K इज इक्वल टू C डैश बाय में C, एक फॉर्मूला और बन गया हमारे पास। आई होप कि आपको समझ आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान से देखना बेटा, आपकी ना बुक के अंदर एक टेबल दे रखी होगी, उसके अंदर सबसे पहले क्या बता रखा है, मटेरियल डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मैं आपको एक ही करके दिखा रहा हूं, इसको उतार लेना अच्छे से, समझ आ गया ना। एयर के केस में कम है कैपेसिटेंस और डायलेक्ट्रिक फील करते हैं इंक्रीज हो गया कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इस चीज का बेटा अच्छे से रट्टा मार लेना। अब देखो मैं आपको क्या चीज बताने जा रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं बेटा, इसके अंदर एक चीज रखी है कि मटेरियल हमारे पास क्या है बेटा, जैसे पायरेक्स ग्लास है, क्या है पायरेक्स ग्लास। ठीक है, यहां पे रखा है इसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के की वैल्यू दे रखी है, ये हमारा मटेरियल दे दिया, यहाँ के दे दिया, और यहां क्या दे दिया इसकी स्ट्रेंथ दे दी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ग्लास का कितना दे रखा है इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 5.6, ये बात समझ आती है। पायरेक्स ग्लास इसका मतलब जैसे हम ग्लास फिल कर देंगे ना, ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा, 5.6 टाइम्स, समझ आती है बात। ठीक है, उसके बाद उसने बोला इसकी जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना अप्रोक्सीमेट कितनी है, 14 किलो वोल्ट पर mm मिलीमीटर। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर बहुत सारे दे रखे बेटा, बस मैं तो आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना। वाटर, वाटर का कितना होता है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, आपने पहले भी किया था 80, और अप्रोक्सीमेट कितनी होती है हमारी 0। ठीक है, अब सुनो ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारा बताना मोटिव किस चीज का होता है, तो आप क्या बोलोगे सर कैपेसिटर का मेन मोटिव क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करे, और चार्ज स्टोर करे वो चीज कौन बताता है, उसका कैपेसिटेंस बताता है। हम बोलेंगे जिसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जितना ज्यादा होगा उतनी कैपेसिटी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये बात समझ आती है ना, कि जितना के की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी उसकी कैपेसिटेंस कैसी होगी, ज्यादा होगी। पर लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, एक चीज का और ध्यान रखना बेटा आप, क्या क्या अगर मैं कहूं वाटर और पायरेक्स ग्लास, वाटर का देखना डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 80 है और ग्लास का कितना 5.6 है, आगे बात समझ, इसका मतलब तो वाटर डालते ही कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाना चाहिए 80 टाइम्स, कितना इंक्रीज होना चाहिए 80 टाइम्स। पानी भरो कैपेसिटर प्लेट के अंदर, कैपेसिटेंस स्टोरेज कितनी बढ़ जाएगी उसकी, 80 टाइम्स बढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। उसका रीजन देखो, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है वाटर की, 0 है। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ आती है कि फील्ड अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, ये बात समझ आती है ना। और यहां इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखो कितनी ज्यादा है, 14 किलो वोल्ट पर एमएम, एक एमएम में कितना
कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, किलो वोल्ट, 14 किलो वोल्ट, ये बात समझ आती है, ठीक है, पर एमएम, ठीक है, एक मिलीमीटर में इतना ज्यादा, जब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करेंगे जब जाके कहीं ब्रेक डाउन होगा, पर यहां तो क्या वाटर के केस में शुरू में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, ठीक है, उतनी अच्छी स्टोरेज हो सकती है। एक चीज के ऊपर और फोकस करना, वो क्या, उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर। हमारा मोटिव क्या होता है कि कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा हो और जो स्ट्रेंथ हो ना उसकी वो भी इतनी ज्यादा हो कि जल्दी से ब्रेक डाउन ना हो जाए। ब्रेक डाउन होते तो आपको पता है ना बन जाएंगे आयनी, क्लियर है बात, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, आई होप कि आपका लेक्चर आ गया होगा, आपको समझ में। वैसे मीका वगैरह ये ग्लास वगैरह बहुत यूज किए जाते हैं हमारे कैपेसिटर के अंदर। फैन वगैरह के ऊपर देखोगे ना, तो मैंने आपको बताया था आपको मिलेगा 3.2 माइक्रोफेराड। ओके, देख लेना बेशक, क्योंकि मैंने बताया प्रैक्टिकल यूनिट दो ही है, अर्थ का भी हमने निकाला तो 711 आया था। ओके, उसका भी 1 फेराड भी नहीं था। तो ये सारी चीजें थी बेटा आज के लेक्चर में, अच्छे से पढ़ लेना, कल वीडियो नहीं अपलोड होगी तो मैं निकल कर लेना। बाय बेटा।